पांच सवाल और इनाम 10 करोड़ लोगे मेरे साथ। जिससे मिलाने जा रहा हूं उनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में उनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं और बेशुमार मोहब्बत करते हैं। ये मेरे हिसाब से एक ऐसे पुरुष हैं कि पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष है। आमिर, आई लव यू आमिर। लव यू। कैसा लगता है यहाँ पे आके 10 का दम खेलने के लिए? इट्स लवली। आई सॉ योर शो, फर्स्ट शो, और इतना मजा आया मुझे देखकर। इट वाज सो एंटरटेनिंग, यू वाज सो कंफर्टेबल, सो लवली विद ऑल द कंटेस्टेंट्स। नाउ आमिर से ये कहलवाना बहुत बड़ी बात है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आमिर आज मेरी तारीफ कर रहे हैं। हमने पिक्चर की थी अंदाज अपना अपना, और इन्होंने उस पिक्चर में मेरी बहुत बैंड बजाई है परफॉर्मेंस में। ये जो आई ला उइमा, ये वहीं से आया है। तो आमिर, आपकी अभी हाल में एक नई पिक्चर रिलीज हुई है। हाँ, तारे जमीन पर। तारे जमीन पर। मैं ज़्यादा कभी ऐसे रोता नहीं हूँ, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अच्छा बड़ा करियर चल रहा है, ये डायरेक्शन का शौक क्यों? यार मुझे लगा कि एक दिन मैं डायरेक्टर बनूँ और आपको डायरेक्ट करूँ। आमिर, मेरे पास डेट्स नहीं है। हाँ, मेरे पास डेट्स नहीं है। डेट्स नहीं है यार। डेट्स नहीं है, ये तो चक्कर। और यार मैं दोपहर को आता हूँ। द मोस्ट प्रोफेशनल एक्टर एवर आमिर खान। 7 o'clock मीन 7 o'clock रेडी विथ मेकअप विथ ऑल हिज डायलॉग्स एवरीथिंग लर्न ही इज रेडी टू शूट एंड स्टिल ही डिड बेटर देन मी एंड मी आई 1:32 फिर आराम से कॉफ़ी शॉफी पी के फिर देन आई कम एंड आई स्टार्ट टॉकिंग माय वर्क व्हिच इज़ नॉट गुड। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। यू नो आई ऑफन थिंक कि यार जो सलमान जो है ना, ये असली स्टार है यार। हम लोग तो आते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, स्टार हो तो सलमान जैसा है। ये आता है अपने टाइम से, जाता है अपने टाइम से। हम लोग वेट करेंगे, सलमान जी आ रहे हैं। आज इन्होंने मुझे बहुत वेट कराया है। और स्टाइल, यू नो स्टार नीड्स टू हैव स्टाइल। अनफॉर्चुनेटली आई हैव वेरी लिटिल, बट सलमान हैज डॉल। ये लो, बट ही कॉम्पेंसेट्स इट विद लॉट्स ऑफ टैलेंट व्हिच आई हैव वेरी लिटिल। हमें आज रात एक नई पिक्चर रिलीज हुई है जी, तो थोड़ा सा बताएंगे उस पिक्चर के बारे में? ये फिल्म है मेरी जाने तू, जिसमें काफ़ी यंग नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इस फिल्म के अंदर। डायरेक्टर भी पहली फिल्म बना रहा है। यू प्रोड्यूसिंग द फिल्म? आई एम प्रोड्यूसिंग द फिल्म। पिक्चर में मेन लीड कौन है? मेन लीड है मेरे भांजे इमरान। उन्हें बुला लें इस शो पर? बुला लेते हैं, बुला लेते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome the young, the dashing, the handsome, the sexy, the sweet, the charming, Imran Khan. Kabhi kabhi aadat hi zindagi mein yahi koi itna lagta hai. Kabhi kabhi aadat hi mujhe chal jaye to ek sapna lagta hai.
ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोचते इमरान आप आमिर को क्या बुलाते हैं? आमिर मामू सर जी कॉलिंग है। मामू आप मुझे चाचू बुला सकते हैं? चाचू? हाँ चाचू बुला लें। सल्लू चाचू जी। ओके तो इमरान आज आपकी पिक्चर रिलीज हुई है एंड अपेरेंटली यू गोना टेक ओवर योर मामूज पोजीशन एंड माय पोजीशन। मेरा प्लान यही था। आई थिंक ही इज बिकम वेरी ओल्ड नाउ। उनका टाइम हो गया, रिटायर होने का टाइम आ गया। यार अगर ये रिटायर हो जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? नो बिकॉज यू नीड समबडी टू प्ले अ फादर। सो यू लाइक वर्किंग इन योर प्रोडक्शन? उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। इन्होंने आपको कोई पैसे नहीं दिए? लेकिन जितना आप आगे कमाओगे वो तो इन्हीं का दिया होगा कि इन्होंने आपके लिए एक पिक्चर बनाई। नहीं नहीं वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, जो कुछ कमाएगा सब मेरा। जब आमिर ने भी पहली पिक्चर की थी कयामत से कयामत तक, कितना मिला था आपको? आई एम रिटर्निंग द फेवर। हाँ मुझे भी कुछ 31,000 मिले थे। मैंने प्यार किया मैं और वो जो गाड़ी जो थी वो गाड़ी मेरे हाथ से ठुक गई थी, पूरे पैसे उसी के रिपेयर में चले गए। आमिर को कयामत से कयामत तक से जो आज तक का जो सफर है और मेरा जो सफर है, आई होप इमरान आपका ये सफर हो। वी विश यू ऑल द बेस्ट। अभी आपने एक गाना रिकॉर्ड किया मुझ पर। हाँ पप्पू गान डांस। वो गाना प्रेस में आया कि इट्स ऑन यू, बट देयर इज अ रीजन व्हाई इट कैन नॉट बी ऑन यू। व्हाई? उसमें लाइंस हैं, पप्पू के पास है एमबीए। ओए बच गया। और दूसरी वजह ये है कि आप अच्छा डांसर, अच्छे डांसर हैं। अरे थैंक यू यार। तो गाना तो हो ही नहीं सकता उनका। तो फिर ये कौन पप्पू है? ये पप्पू है। नहीं इट्स ट्रू। क्या? मैं ही पप्पू। आप ही पप्पू हैं? आए देखें एक छोटा सा क्लिप इमरान की मूवी का, जाने तू या जाने ना। Hey popular, hey muscular, hey popular, spectacular, he's a bachelor. Pappu ki gaadi tez hai, pappu kudiyon mein craze hai. Pappu ki aankhein light blue, pappu dikhta crazy hai. Prado ki gadi haathon mein, perfume Gucci wala. But pappu can't. It's a fantastic introduction. If you are like that, buddy, you're going a long way. Aap dono ka swagat hai 10 ka dam mein. Ye hai knockout round. Aamir, aapko Imran ko knockout karna hai aur Imran aapko Aamir ko knockout karna hai. 5 sawal hai. Har sawal ke liye aapko milenge sirf 10 second. Aap to chhap loge, inka problem hoga. Time bahut lete hai na mamu. जी हाँ, जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो हमने एक नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा हमारे देश के आवाम से पूछे हैं और उसके जवाब इस मिस्टर एलजी में फीड हुए हैं। आमिर यहाँ पे आंसर नहीं होता, सिर्फ सवाल। तो ये प्रतिशत का खेल है जिसका भी जवाब हमारे देश के अवाम के जवाब से ज्यादा करीब होगा वो जीतेगा वो पॉइंट। और क्योंकि ये बेस्ट ऑफ 5 है तो जिसने भी पहले 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया वो खेलेगा मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आपका पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि प्राचीन काल के राजा महाराजाओं की तरह वो भी अनेक महिलाओं से शादी करना चाहेंगे? आमिर
यार एक औरत संभाली नहीं जाती जी। और आप सोचिए मैंने कि शादी नहीं की, इतना बड़ा हैरम होगा, इतनी औरतें होंगी, तो उनकी बर्थडेज याद रखना, उनको गिफ्ट देना, उनके लिए ज्वेलरी खरीदना, नो वंडर वो जितने राजा महाराजा सब कंगाल हो गए, वॉश्ड आउट। आपको क्या लगता है कि आप? भाई मुझे एक गर्लफ्रेंड संभाली नहीं जाती। आपकी गर्लफ्रेंड है? यार देखो आजकल का जमाना क्या हो गया, मामू के सामने गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है। Fantastic, यार। To be honest, यार। How do you manage, यार? अरे लेकिन मैनेज नहीं होता उसके लिए एक्चुअली वो फिल्म देखनी चाहिए, नो एंट्री। नो एंट्री पार्टनर, नो एंट्री में सब ट्रेनिंग दी उसने। पार्टनर में भी आप लव गुरु थे ना पार्टनर में? जी जी लव गुरु था। ये सब बेकार की बात है, ये सब नहीं नहीं बात करते टीवी पे हम लोग। सवाल ये है कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि प्राचीन काल के राजा महाराजाओं की तरह वो भी अनेक महिलाओं से शादी करना चाहेंगे। आप दोनों के पास 10 सेकंड है और वो शुरू होते हैं अब। आमिर कह रहे हैं 50% और इमरान 34%। आए देखें कि कितने पुरुष हैं जो प्राचीन काल के महाराजाओं की तरह अनेक महिलाओं से शादी करना पसंद करेंगे। Marriages are made in heaven. ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। We cannot allow him to blame it on God. आज तो बोलना ही पड़ेगा। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। चलो यार, बहुत जल्द। आई होप आप सबका आशीर्वाद है कि मेरी शादी बहुत जल्द 15-20 साल में हो जाए। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो अपनी आस्तीन से नाक पोंछते हैं? आपने कभी अपने आस्तीन से नाक पोंछी है? कभी कभी इमरजेंसी में। इमरजेंसी में यार मुझे हमेशा नज़ला हुआ करता था, तो मैं तो हमेशा पोंछ दिया करता था और ज़्यादा करके दूसरों की आस्तीनों से। इनका मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने शायद नाक तो नहीं पोंछी होगी क्योंकि ये बहुत प्रॉपर हैं, लेकिन ये हाथ बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, ये पामिस्ट हैं, ये इन्होंने पामिस्ट्री की है। एक्चुअली पामिस्ट्री का मुझे ABCD नहीं पता, बट वन यू कैन एक्सक्यूज टू होल्ड द गर्ल्स हैंड। हाँ एंड सेकेंडली आई डन वर्स देन नाक पोछना। जो मेरी फिल्म की हीरोइनें होती थी उनका मैं हाथ पड़ता था और बात करते करते मैं उसमें थूक देता था। ये मतलब कि क्या क्या बोलते क्या थे कि हियर्स योर हाउस, हियर्स योर गार्डन एंड हियर्स योर स्विमिंग पूल थू। अच्छा एक बात बताऊँ, जिस हीरोइन के हाथ पे मैंने थूका है वो सुपर हिट हो गई। अच्छा यहाँ पे किसी को हीरोइन बनना है, आमिर खान साहब आपके हाथ पे थूकेंगे आप सुपर हिट हो जाएंगे। 10 सेकंड हैं आपके पास आमिर, इमरान आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। बहुत पास चल रहे हैं मामा भांजे, तो आए देखते कि हमारी देश की आवाम क्या सोचती है।
35% आमिर जीत गए. स्कोर है 1-1. आपका अगला प्रश्न. कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि जब फिल्म स्टार सो के उठते हैं तब भी खूबसूरत दिखते हैं? क्या लगता है आमिर? यार मैं जब अपना चेहरा सुबह देखता हूँ तो बड़ी कोफ्त होती है. शायद सोचते होंगे लेकिन बहुत कम सच्चाई है इसमें यार. मैं खुद अपने आप को देख नहीं सकता. हीरोइंस का पता नहीं क्या होता है यार. अरे हीरोइंस का तो और बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको, कि उनको तो हमेशा खूबसूरत दिखना पड़ता है ना. यू शुड नो, टेल अस. जब तक मैं सो के उठता हूँ वो छुट्टी पे जा चुकी होती है. दस सेकेंड है आपके पास और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब. फिफ्टी 53% आमिर, 25% इमरान. एक खूबसूरत दिखने की एक एज होती है. जब हम लोग 20 साल पहले वो प्रॉब्लम नहीं हुआ यार. मुझे लगता है ये राउंड जीत गया ये. मैंने गलत किया है. एक वन मोर कर सकते हैं? जैसे इमरान हाउ मेनी टेक्स विल टेक. अरे डोंट आस्क मी अबाउट टेक्स. अरे बाप रे बाप. अरे नो 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 नो. कितने टेक्स लेते हैं? अरे ही यूज्ड टू डू 35 रिहर्सल्स अंदाज अपना अपना. उसके बाद 35-40 टेक्स. अभी सुधर गया हूं. हां सुधर गया हूं. अभी कितने? अभी बहुत फटाफट टेक एंड रिहर्सल एंड टेक. यार अभी तो काम करना चाहिए हम दोनों को. You know something? मेरे ब्लॉग पे all the fans keep writing that we should make अंदाज़ अपना अपना again. We should do that. मतलब स्टोरी ये हो सकती है कि हम लोग दोनों अभी फादर हो गए और हमारे बच्चे जो हैं वो भी अभी सलमान और आमिर ही हैं. डबल रोल. वेरी गुड. मतलब के हमारे बेटे बापों से बूढ़े लग रहे हैं. तो आए देखते हैं कि हमारी देश की आवाम क्या सोचती है. आपका अगला प्रश्न. कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष एक अकलमंद महिला के बजाय सुंदर महिला से शादी करना पसंद करेंगे? मेरी गर्लफ्रेंड दोनों है, सुंदर और अकलमंद. अरे फैंटास्टिक. ये तो अनोखा कॉम्बिनेशन है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अरे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी है. यार मेरी वाइफ किरण जो है जी, वो आप दोनों की गर्लफ्रेंड से ज्यादा खूबसूरत भी हैं और ज्यादा अकलमंद भी हैं. ये पॉइंट इमरान, ये पॉइंट तू ही जीता. सल्लू अच्छी कर लेता. I've scored a lot of points on at home today. 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. लॉक किया है 60%, इमरान 75%. देखते हैं कि किसका जवाब हमारे देश के आवाम से ज्यादा करीब है. चालीस प्रतिशत
लोग भारतीय पुरुष सुंदर महिला से शादी करना पसंद करेंगे? आमिर, यू नो व्हाट आई थिंक? हाँ, मुझे भी एक थॉट आ रहा है। हाँ, क्या मुझे, मुझे लगता है कि एक्चुअली इट्स प्रॉब्ली 80-90%, लेकिन सर्वे में बड़े झूठ बोलते लोग। उनको लगता है कि यार मैं बोलूं कि यार नहीं नहीं मुझे इंटेलिजेंट लड़की चाहिए। हाँ, दिल में कुछ और होगा शायद, तो ये सोच के मैंने थोड़ा कम रखा था। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सुंदर हो या अकलमंद, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लड़की का, महिला का कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यार मर्द का भी अच्छा होना चाहिए। अगर एक मर्द ने एक लड़की का कैरेक्टर पसंद किया है तो उसका भी कैरेक्टर वैसे ही होगा। नहीं नहीं, कोई भरोसा नहीं भाई, कोई भरोसा, कुछ भरोसा नहीं। क्यों, कोई ऐसा एग्जांपल है? क्यों मुंह खुलवा रहा है यार? अभी आप जीते हैं ये नॉकआउट राउंड, आप ये जो पैसे कमाएंगे, या आप इस इन पैसों का क्या करेंगे, दूसरी पिक्चर बनाएंगे? दरअसल इमरान और मैंने तय किया है कि आज जो भी पैसे हम लोग जीते हैं वो एक चैरिटी की तरफ जाएगी, जाएगा पैसा। और वो चैरिटी है सरस्वती मंदिर ट्रस्ट। हमने जो फिल्म बनाई थी तारे ज़मीन पर जी, उसके अंदर एक सीक्वेंस है जिसमें कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, ट्यूलिप स्कूल, उसमें ऐसे बच्चे हैं जिनको बेहद तकलीफ़ें हैं। तो ये सारे बच्चे जिन्होंने हमारी फिल्म में काम किया, वो सारे बच्चे सरस्वती मंदिर ट्रस्ट के पास दो स्कूल्स हैं और वहाँ से आए हैं, ट्यूलिप स्कूल, सरस्वती मंदिर स्कूल। तो दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, सरस्वती मंदिर ट्रस्ट इज डूइंग वेरी गुड वर्क, एंड यू नो आई वुड बी हैप्पी इफ वी कैन हेल्प देम इन एनी वे। फैंटास्टिक, क्योंकि चैरिटी राउंड है तो आई वुड कांग्रेचुलेट यू ऑन विनिंग, अदरवाइज आई वुड वांट इमरान टू विन। एंड इमरान, you are going to be Amir's partner. Amir, tu 5 kadam dur hai 10 crore rupayon se. Tera har sahi jawab teri rakam 10 guna badhayegi. एक गलत जवाब, रकम 10 गुना घटेगी और तू इस खेल से आउट हो जाएगा। पर किसी भी वक्त तू तेरी जीती हुई रकम लेके जा सकता है। जब तू अनुमान लगाएगा तो हमारी स्टूडियो ऑडियंस भी वोट करेगी। और इमरान यहाँ पे अभी आपके पार्टनर हैं, यंग हैंडसम डैशिंग इमरान। आओ खेलते हैं 10 का दम। 10,000 रुपयों के लिए आमिर, ये तेरा पहला प्रश्न है। किसी से बातचीत शुरू करने के लिए कितने प्रतिशत भारतीय ये कह चुके हैं, मैंने आपको कहीं देखा है? ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ कि आपने ऐसा पूछा होगा कि आपने मुझे कहीं देखा है। क्या होता है? आमिर कन्याओं के तो वोकल कॉर्ड्स के लिए बहुत खराब है। सलमान बोल रहा है। व्हाट्स योर ओपनिंग लाइन है सलमान? माय ओपनिंग लाइन इज हे, दैट्स अ गुड वन। मैंने आपको कहीं देखा है? मैंने आपको कहीं देखा है? अरे हाँ यार, मैंने देखा है यार तुझे। पता नहीं कितने लोग कहते होंगे यार। I think ये it's more a western, I think I've seen you somewhere. It's a western style of opening a conversation. जो हमारे हिंदुस्तान मर्द हैं बहुत शर्मीले हैं, तो and they can't approach. तो घूम फिर के आजू बाजू जैसी लड़की है तो टर्न कर जाते हैं जैसा, और फिर जैसे एक आई कॉन्टैक्ट मिलता है उनको तो बेंजी। सही कहा तूने, हिंदुस्तानी मर्द बड़े डरपोक होते हैं। लेकिन हाउ डू यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन? अगर कोई मर्द हो तो हम आमतौर पे कहते हैं भाई साहब, भैया। औरत हो तो बहन जी कहते हैं। बहुत अपसेट होती होगी तुझसे लड़कियां। आंटी, अरे डिस्ट्रॉय करता होगा तू उनको। अभी वक्त आ गया बेटी बोलने का।
हमें 40% की खिड़की है, 40% की है और एक एस्टीमेट लगा ले व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस हैव सेड आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन. इतने ज्यादा नहीं होंगे, मुझे लगता है कहीं बीच में ही होगा ये. पहले अपना अनुमान लगा यार ये. अच्छा ये दोनों साइड का है. हाँ तो 22 नहीं ज्यादा हो गया यार, ज्यादा हो गया. ये सेफ होगा मुझे लगता है इमरान. हाँ नाम है थोड़ा नीचे. ये जो ये 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 हमारा टाइम ना, ये हमारा टाइम खत्म हो चुका है. इनका वक्त है, इनसे भी जरा एक राय ले लीजिए. 30 to 70. चलो लेट मी ट्राई व्हाट इमरान सेज. 30 to 70%. एक एक जरा देख लें, पूछ ले. हाँ पूछो. क्या बोलते हैं भाई आप लोग बताइए. 30 से लेके 40 से लेके 50 से लेके 55 फिर 60 भी नीचे और फिर 70 तक है. 30 to 70 मतलब ऑडियंस भी 30 to 70 बोल रही है. परफेक्ट है, चाप दूं. यार मुझे लगता है थोड़ा कम होना चाहिए. हम लोग इतना बोलते नहीं है यार. आपको कहीं देखा है सब कहाँ बोलते हैं हम लोग, है ना, कम बोलते हैं हम लोग. थोड़ा नीचे करता हूँ. आमिर ने छाप दिया. 10,000 रुपए का प्रश्न है. देखते हैं कि आमिर सही है या गलत. तो आप जीते हैं 10,000 रुपए. आमिर इस 10,000 रुपए का करेगा क्या तू? मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे जीतूं ताकि जिस चैरिटी को मैं देना चाहूंगा उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इस्तेमाल करें उन बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी. सो आई होप आई कैन विन मोर एंड मोर फॉर देम. फैंटास्टिक, तालियां आमिर के लिए. आपका अगला प्रश्न. आप 4 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपए से. आमिर, आमिर तेरा अगला सवाल 1,00,000 रुपयों के लिए होगा और अभी जो प्रतिशत खिड़की होगी वो 30% की होगी. सवाल ये है, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि चश्मा पहनने वाली लड़की के लिए अच्छा वर ढूंढना मुश्किल है? भाई मेरी वाइफ किरण तो चश्मा पहनती है और उनको बहुत अच्छा वर मिल गया यार. चश्मा पहनती हैं लड़कियां या लड़के. हाँ तो वो तकलीफ होती है आंखों में, इसलिए पहनते हैं. अच्छा बचपन में हम लोग बच्चों को चढ़ाते भी थे डबल बैटरी चश्मे. लेकिन हम लोग मतलब टुडे आई रियलाइज कि ये अच्छा नहीं है, बच्चों को ऐसे चढ़ाना ही चाहिए. यू नो दे गेट इनटू अ कॉम्प्लेक्स. इनफैक्ट किरण वांटेड टू डू लेसिक, यू नो. तो मैंने बोला डोंट डू इट, आई लाइक यू विद द स्पेक्स. पता नहीं चश्मेदारी पता नहीं क्या लगी यार. लेकिन मुझे लगता है कि काफी सोचते हैं ऐसे यार. कितना स्ट्रेंज है. माय चश्मा पहनती है और वो बहुत खूबसूरत लगती है. करेक्ट बोला यार. नहीं मुझे लगता 40 टू 70 होना चाहिए यार. इमरान व्हाट डू यू थिंक? 40 टू 70. 40 टू 70 इमरान. या हां इमरान 40 टू 70. या क्या होता है मैं बताऊं. एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर हम लोग क्वेश्चन को ठीक से देखें तो नॉर्मली जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं अगर वो लड़की में अगर लड़की कोई चश्मा पहनती है तो उनको डर होता है कि यार हमको मुश्किल होगी, हमारी बेटी को शायद अच्छा वर मिले ना मिले. तो ये डर काफी लोगों में होगा. तो मैं बढ़ाने की सोच रहा हूँ यार. एक बार स्टूडियो ऑडियंस से पूछते हैं. स्टूडियो ऑडियंस से पूछते हैं. देखिए हमारी मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस की क्या पोल है. 25 पे एक छोटी सी चोटी है, उसके बाद 30
फिर उससे बड़ी उस पर 40 पे जाती है, फिर यहाँ पे 43-42 पे आती है, और एक 60 पे एक सेपरेट है। तो 35 to 65 करते हैं, बीच का करते हैं। क्या लगता है यार? अगर गड़बड़ निकला तो भाई एक बार छाप दिया तो छप गया, जो छप गया छाप दिया। अगर तू जीतेगा तो तुझे 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे, अगर हारेगा तुझे 1,000 रुपए। अभी कितने लोगों को देखना है आमिर को हारते हुए? आइए देखते हैं कि आमिर हारते या जीतते हैं। हमारे जज्बातों का खेला जा रहा है। मिस्टर एलजी हैं, ये ड्रामा वही करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या ये बाल गिर रहे क्या? ये गजनी कर रहा हूँ ना मैं। अरे हाँ, उसमें लुक है, ये सर पे मार पड़ती है तो सब 2-3 जगह स्कार्स। अच्छा बाय द वे आमिर को आप देखेंगे गजनी में फुल रिप्ड सिक्स पैक। मेरी बॉडी सलमान जितनी नहीं है, लेकिन थोड़ी कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से। आपके मामू को देखा? हाँ मैंने देखा। हाँ गजनी की बात कर रहे हैं जो कि 2 साल बाद आने वाली है। आमिर अब तू 3 कदम दूर है 10 करोड़ रुपयों से। 1,00,000 रुपये जीत गया है, अब खेल रहा है 10,00,000 रुपयों के लिए। ये रहा आपका सवाल, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन बनने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है? यार मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, 12th तक किया मैंने। मत बोल, सब फॉलो करेंगे तुझे, लेकिन मैं और भी कुछ बोलूंगा उसके बाद। तूने कहाँ तक किया? नहीं TY का एग्जाम दिया, पेपर लेने नहीं गया मैं, लेकिन वो करूँगा कभी ना कभी। मुझे 2 चीज़ें कहनी है यहाँ पे। एक तो ये कि जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। सो आई वुड यू नो एडवाइस ऑल चिल्ड्रन एट होम दैट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ एंड यू मस्ट एन्जॉय योर स्टडीज़। दूसरा मुझे ये कहना है कि एजुकेशन जो है, हम लोग की नज़र बड़ी छोटी होती है एजुकेशन के बारे में। हम सिर्फ लिखाई पढ़ाई तक ही सीमित हो जाती है एजुकेशन। नहीं, इवन इन स्कूल्स, मुझे मेरा ये मानना है कि स्कूल्स में जब हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो हमें एक होलिस्टिक एजुकेशन देनी चाहिए कि बच्चा वाकई कुछ सीखे, रटे नहीं। 100% राइट। मुझे लगता है लोगों की सोच ये होगी कि हम सब इडियट्स हैं। अब प्रतिशत की खिड़की होगी 20% की। टेक्निकली तो जरूरत नहीं है फिल्म स्टार बनने के लिए या पॉलिटिशियन बनने के लिए। यू डोंट हैव टू बी एजुकेटेड, बट इवन डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए तो यू हैव टू। तो आई थिंक लोगों का आंसर हायर एंड पे होगा। एक अनुमान लगा ले। एक ट्राई करूँ मैं? हाँ एक ट्राई कर ले, आप भी एक अनुमान लगाइए। लगा दिया? मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, आई थिंक और हायर होना चाहिए। लेकिन आप अगर नोटिस करें कि जितने भी एक्टर्स आजकल हैं सब पढ़े लिखे हैं, और जितने भी पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं वो सब एजुकेटेड हैं। 65 झांक के देखना उसमें यार कुछ होगा। अरे उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ प्रश्न है, प्रश्न। ये मुझे ऑडियंस, मुंबई की ऑडियंस से पूछना है यार उनको क्या लगता है। आइए देखते हैं कि आपका पोल क्या है। 40 से लेके 50 60 70 और मतलब 80 के बीच में, ये काफ़ी वाइड है। 40 to 80 हो गया ना ये तो। अगर मैं जीता तो मुझे अगर 10 लाख मिलेगा। जीता तो 10 लाख और हारा तो 10,000 नहीं है। हाँ यार। अच्छा 50 to 70
करेक्ट है पॉलिटिशियंस सब पढ़े लिखे हैं दे कम दे गिव स्पीचेस हिंदी पढ़ते हैं मराठी पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं दे ऑल कमिंग स्पीचेस हम लोग पढ़ी रहे ना तो सबके सब पढ़े लिखे हैं छापो या ये कह रहे छापो 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 से लेके 65% तो क्या ब्रेक के बाद बोलने वाला तू मुझे लगता है प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए जल्दी बोल दे भाई आप खेल रहे हैं सरस्वती मंदिर चैरिटी के लिए आइए देखते हैं कि आमिर खान सच्चे दिल से खेल रहे हैं या नहीं आप 10 लाख रुपए जीते हैं अगला सवाल पूछने से पहले मैं चाहता हूं कि हम तीन इस ऑडियंस में से तीन खूबसूरत महिलाओं के साथ नाचे इमरान गुड आइडिया ओके व्हाट सॉन्ग फ्रॉम योर फिल्म यार हाँ क्यों नहीं कौन सा गाना पसंद है आपको कहीं तो लवली सॉन्ग आइए तो बुलाते हैं हम हमारी तीन डांस पार्टनर्स को कम इमरान कहीं तो होगी वो दुनिया जहां तू मेरे साथ है जहां मैं जहां तू और जहां बस तेरे मेरे जज्बात है ये रहा आपका 1 करोड़ का सवाल कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि वो महिलाओं से ज्यादा अकलमंद हैं आपकी खिड़की है 10% की 10% नहीं 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 हम लोग मर्द अपने आप को इतना स्मार्ट नहीं समझते महिलाएं बहुत स्मार्ट हैं मुझे लगता है Imran, what do you think? I think we need an audience poll. आए देखते हैं इमरान और आमिर को चाहिए आपका सहारा. और 70-80. 60 पे एक छोटी सी चोटी है उसके बाद मीडियम चोटी है 70 पे फिर जाती है 80% फिर 90 पे एक छोटी सी और चोटी है तो मतलब कम होना चाहिए मुझे नहीं पता मेरा मानना ये कि जो आदमी अपने आप को स्मार्ट समझता है वो स्मार्ट नहीं है अच्छा आमिर हाँ. किसी वक्त भी पैसे लेके निकल सकता है 10 लाख तेरे लिए भी बहुत बड़ी रकम है हाँ मैं बच्चों का सोच रहा हूँ हाँ. क्या लगता है आप लोगों को ब्लॉक करना चाहिए पिछले एपिसोड में तो ऐसा हुआ था कि क्विट कर दिया और आंसर करेक्ट निकला आंसर करेक्ट आफ्टर क्विटिंग पोर थिंग
felt so bad that you should have played. वो एक करोड़ रुपए लेके जाती है। इमरान क्या करो बेटा? नहीं ये ठीक नहीं है। बस अनुमान लगा रहा है या करोड़ रुपए के खेलेगा? बहुत डाइसी है यार, कुछ भी हो सकता है। 71 निकला तो निकला तो तुझे क्या लगता है, मुझे खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? व्हाट इज योर एडवाइस? माय एडवाइस इज यू गो बाय योर गट फील। मैं चाह रहा था कि इस गेम के थ्रू मैं ज्यादा से ज्यादा चैरिटी दूं। खेलते खेलते मुझे राइज हुआ 10 करोड़ बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ का मैंने टारगेट बनाया था, तो इस वक्त तो मैं 10 पे हूं। मैं सोच रहा हूं मैं क्विट करूं और बाकी का पैसा मैं दे दूं। ये भी पॉइंट है, करेक्ट है ना? तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि मैं 1 करोड़ दूंगा, 10 तो हो गए ऑलरेडी, अगर मैं जीता तो मुझे 90 ऐड करना पड़ेगा उसमें। करेक्ट है। अगर मैं हारा तो 10 लाख और डाल दूंगा उसमें यार। करेक्ट है? करेक्ट है बॉस, करेक्ट है, जो तू कह रहे करेक्ट है। चलो तो अब सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन मेन थिंक दे आर मोर इंटेलिजेंट देन विमेन? कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि वो महिलाओं से ज्यादा अकलमंद है? अगर आपने आपकी बीवी के सामने बोल दिया कि आप उनसे ज्यादा अकलमंद है तो आपका हशर क्या होगा? किसी मर्द की ये मजाल के बोल दे किसी औरत के सामने कि मैं आपसे ज्यादा अकलमंद हूँ, ना चांस ही नहीं। खाना खराब मिलेगा घर पे? मिलेगा ही नहीं, देखिए। अरे आजकल पुरुष ही कहाँ है, मर्द ही सब महापुरुष है। क्या बोलते हैं आप लोग, लॉक करूं? छापू? आमिर आंख बंद कर थोड़ा सोच। आमिर आई थिंक इसको छापता हूं मैं यार। और पहले भी तू 1 पॉइंट से बचा है बाय द वे। मुझे ये सेफ लगता है, मैं सोच रहा हूं यहां पे मैं छापता हूं। मैंने तो तय कर दिया पैसे मिलने वाले उनको। अब मुझे जवाब भी सही चाहिए यार, नहीं मजा आएगा। बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट है ये आदमी। ये तो क्वार्टर क्वार्टर हाफ हाफ परसेंट में जा रहा होगा इस वक्त। छापता हूं मैं उसको यार। आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लॉक करता हूं मैं यहां पे। कर दे यार, जल्दी कर, जो करना जल्दी कर यार। मैं पैसे देता हूं यार। आमिर 51% से लेके 61% पर आमिर ने लॉक कर दिया। आप आंसर देखना चाहेंगे कि आप 1 लाख रुपए लेके जाएंगे या 1 करोड़? आप सब देखना चाहेंगे? Yes. आप देखना चाहेंगे कि आमिर के जेब से
99 लाख रुपीस जाएंगे कौन सी चैरिटी को आमिर? सरस्वती मंदिर ट्रस्ट। आइए देखते हैं कि कितने प्रतिशत मर्द सोचते हैं कि वो महिलाओं से ज्यादा अकलमंद हैं। जीत गए बिंगो, अब आप क्या 10 करोड़ के लिए खेलना चाहेंगे? अच्छा क्वेश्चन तो दिखा, तो भाई क्वेश्चन तो दिखा यार पहले। हाँ क्वेश्चन यही है, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि वो महिलाओं से ज्यादा अकलमंद है? अब वो जो 51% से लेके 61% में 51% है, 52% है, 53% है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 61, ये देखिए। अब इन्हीं में अच्छा किसी 1% में आपके 10 करोड़ रुपए छुपे हैं। ओके मैं समझ गया, तो मतलब मेरा आंसर जो था वो करेक्ट था, ऑफ द 10 करेक्ट था। हार्ट बीट बढ़ा रहा है, ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, करेक्ट। तो अभी इट इज बिटवीन 51 and 61. 11 नंबर। अरे किसने बोला है कि हम फिल्म वाले पढ़े लिखे नहीं है? इन्हीं में एक ऐसा नंबर है जिसमें 10 करोड़ रुपए छुपे हैं। इस बार ऑडियंस पोल नहीं होगी। ऑडियंस पोल नहीं होगा? ऑडियंस पोल नहीं होगी। अच्छा अगर जीत गए 10 करोड़, हार गए तो फिर बैक टू 10 लाख। बहुत रिस्की है यार ये। व्हाट डू यू थिंक इमरान? क्विट क्विट आई थिंक क्विट करना चाहिए यार। क्विट करना चाहिए, जैसे पहले भी सोचा था 1 करोड़ रुपयों के लिए के ऊपर क्विट करना चाहिए। हाँ अरे खेल देना चाहिए यार, खेल देना चाहिए। हाँ अब यहाँ तक क्या है, आई थिंक क्विट करना चाहिए। क्विट करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन है लेकिन मैं क्विट करता हूँ। हाँ लेकिन मुझे देखना है कि मैं सही होकर करता हूँ। ठीक है ओके। सरस्वती मंदिर के लिए बधाइयां आमिर। आमिर ने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी होती है कि अगर तू इस तरफ होता मैं उस तरफ होता। कमाल है यार, हमारा कुछ लक ही खराब चल रहा है। चलो ठीक है, यही कॉन्फिडेंस चलेगी हमारे। सवाल यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि वो महिलाओं से ज्यादा अकलमंद हैं? कहाँ पे लगाओगे? 57। ये क्यों? ऐसे ही मेरा इंस्टिंक्ट, मेरा दिल कहता है 57। 57 दिल कहता है। आए देखते हैं कि ये कितने दूर थे 10 करोड़ से, या कितने पास थे 10 करोड़ से। Oh!
नहीं नहीं किसने बोला छूट करने के लिए आमिर यार इट्स टू रिस्की सही था ये अगर मैं अपने लिए खेल रहा होता ना तो मैं रिस्क लेता था वेरी अपसेटिंग यार 10 करोड़ रुपए चले जाते उस वैसे तू 1 करोड़ दे ही रहा था यार अपनी तरफ से खेल लेता एनीवे चलो ठीक है जो भी है मुझे क्यों बुरा लग रहा है तू हंस रहा है मुझे बुरा लग रहा है कांग्रेचुलेशन अगर आमिर ट्विट ना करते तो आज 10 करोड़ रुपए सोनी से ले जाते और देते सरस्वती मंदिर ट्रस्ट को लेकिन आमिर ट्वीट कर गए और दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए सरस्वती मंदिर ट्रस्ट को सरस्वती मंदिर ट्रस्ट को वेरी हैप्पी इमरान हम दोनों भाइयों की तरफ से प्लीज जाके देखें इनकी पिक्चर सुना बहुत तारीफ है इनकी पिक्चर की और इनकी भी बहुत तारीफ है इस पिक्चर में प्रोड्यूसर आमिर है और हीरो इमरान खान है आई होप कि आप अगले कुछ सालों में ऐसे घिसे पिटे चेहरे नहीं देखें और ऐसे खूबसूरत नौजवान नौजवानों को देखें आई विश यू ऑल द बेस्ट इमरान थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग यार बड़े थैंक यू वेरी मच आमिर ऐसे शो में रोज आया कर रोज आया करते हैं शो में थैंक यू वेरी मच सोनी का पैसा खत्म खेल खत्म मिलेंगे अगले एपिसोड में